देखो आज का जो हमारा प्रश्न है, ये चैप्टर जो फर्स्ट है से लिया है, ठीक। फीमेल गैमेटोफाइट, जानते हो ना फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल, हाँ मादा युग्मक, ओव्यूल, या शुद्ध हिंदी में कहते हैं बीजांड, याद है। अब उसके अंदर आपने ये ऐसी कोशिकाएं बनाते हैं, हम आपको याद हो तो, ये ओव्यूल रहता है और ये ओव्यूल के चारों ओर ये इस तरीके का रहता है और बीच में कोशिकाएं बनती हैं, ध्यान आया, ठीक है। अब ये जो बीजांड है हमारा या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके तीन प्रकार देखे गए हैं। जनरल तो हम कहते थे कि हाँ ये फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कितने केंद्रक से हुई है, उस केंद्रक के आधार पर, उन कोशिकाओं के आधार पर इसके तीन प्रकार देखे गए। पहला है एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक, या इसका विशेष नाम है पॉलीगोनस। जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उनको ये नाम याद रखना है, पॉलीगोनस। दूसरे वाले का है एरियम टाइप और तीसरे वाले का यहाँ लिखा है मैंने एडोक्सा टाइप। इस पे आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब देखो सेकेंड वाला है बाइस्पोरिक द्विबीजाणु या एरियम टाइप। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया है, तो डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, मेगास्पोर के केंद्रकों की संख्या के आधार पर फीमेल गैमेटोफाइट तीन प्रकार के माने गए हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये है हमारा क्या प्रथम कोशिका है, जिससे आगे चलकर क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर देखो एक केंद्रक है, इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन होने से क्या हुआ, यहाँ पर चार कोशिकाएं तैयार हुई, चार कोशिकाएं बनी। इनमें से तीन कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है, और कौन सी, सिर्फ एक कोशिका या इसका जो केंद्रक है ये आगे विकसित होकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो देखो ये इससे जो एक केंद्रक है इसमें फिर विभाजन हुआ, विभाजन होने से कितने केंद्रक बने, दो बने, इन दो में से एक तो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ एक नीचे वाले सिरे पर, और हमको मालूम है कि ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं हम, एंटीपोडल सेल कहते हैं, और निचले सिरे को क्या कहते हैं, ऊपरी सिरे को चैलेंजर सिरा कहते हैं, और निचले सिरे को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर सिरा कहते हैं। तो ये जो विभाजन से दो केंद्रक बने, एक कहाँ चला गया, चैलेंजर सिरे पर, और एक आ गया एंटीपोडल सिरे पर, माइक्रोपाइलर सिरे पर। अब इनमें भी विभाजन हुआ, विभाजन से दो बन गए, फिर इनमें विभाजन हुआ, दो से क्या बन गई, आठ बन गई, एक के अंदर चार ऊपर रहेगी, चार नीचे रहेगी। और यही एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी आता है कि कितनी कोशिकाएं होती है, आठ कोशिकाएं होती है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट में आठ कोशिकाएं हो गई। अब इन आठ कोशिकाओं का क्या होता है, रीअरेंज होती है, रीअरेंज होने के उसमें क्या होता है, चैलेंजर सिरे पर तीन कोशिकाएं रह जाती है, जिनको कहते हैं हम एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर सिरे पर तीन कोशिकाएं हो जाती है, जिनमें मध्य की कोशिका क्या कहलाती है, एग, और आसपास की कोशिका क्या कहलाती है, सिनर्जिक, और बीच में दो कोशिकाएं रह जाती है जो कहलाती है पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक ही से आगे चलकर पूरे का विकास हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाया, पॉलीगोनस या मोनोस्पोरिक, ठीक। अब दूसरा देखिए आप, इसमें क्या हुआ, ये सामान्य कोशिका, इनिशियल कोशिका, इनिशियल सेल, इसमें विभाजन हुआ, विभाजन से कितने केंद्रक बन गए, दो, दो कोशिकाएं बनी, दो केंद्रक बने। अब जैसे यहाँ पर क्या थी, एक कोशिका से ही सारा विकास हुआ था, यहाँ पर भी दो कोशिकाएं बनी, कुछ समय रहेगी, उसके बाद एक कोशिका क्या होगी, नष्ट हो जाएगी,
लेकिन प्रारंभिक अवस्था में दो केंद्रक रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बाइस्पोरिक, या इसका नाम क्या रहा, एलियम। ठीक, अब आगे का विभाजन सेम टू सेम ऊपर वाले ही है। इसमें विभाजन हुआ, दो सेल बनी, एक कहाँ चली गई, चेलेजल सिरे पर, एक आ गई माइक्रोबाइलर सिरे पर। फिर विभाजन हुआ, दो दो हो गई। फिर और विभाजन हुआ, दोनों सिरों पर चार चार हो गई। फिर ये रीअरेंज हुई, ऊपर की एंटीपोडर, नीचे की एग एपरेटस, जिसमें केंद्र की सिनर्जिड, सॉरी केंद्र का तो एक और आसपास की सिनर्जिड, और मध्य में दो पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई आगे चलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं दो नंबर में, ये पोलर न्यूक्लियाई का कार्य लिखिए, ध्रुवी केंद्रक जो पढ़ते हो आप, कोई दिक्कत इसमें। अब आता है जो आपका तीसरा टाइप, देखो यहाँ पर टेट्रास्पोरिक टाइप, यानी चार केंद्रक हैं और चारों ही केंद्रक क्या करेंगे, भाग ले लेंगे, कोई एक ही कोशिका में विभाजन हो जाएगा। ये देखो यहाँ बता देती हूँ, ये इनिशियल सेल जिससे आगे चलकर विभाजन होगा। विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बनी, देखो फिर देखो इनमें, फिर दोनों में विभाजन होगा, और फिर देखो वही जो जंगल है हमारा, ये हो जाएगी एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये हो जाएगी सिनर्जी। इस तरीके से ये तीन प्रकार हो गए, मोनोस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, या इसका एक और नाम क्या है, एडोक्साटाइप। ठीक है, अच्छा।